हेलो एवरीवन, आज मैं आपको अमृतसरी खट्टा कुलचा बनाना बताऊंगी। ये मैंने एक कुलचा लिया, काफ़ी अच्छा स्पॉन्जी और सॉफ्ट कुलचा है। अब इसको मैं छोले की रेसिपी में वैसे आपको पहले बता चुकी हूँ, उन्हीं छोलों के अंदर इसको मैं डिप कर दूंगी। दो से तीन मिनट की भी ज़रूरत नहीं होती, हैंड टू हैंड बन जाता है क्योंकि बहुत सॉफ्ट है। अगर सॉफ्ट ना हो तो ज़रूरत पड़ती है। अब मैंने डाल दिया, आप देखिए ना कितना ऐसा हो गया ये, ठीक है। इसको निकाल के प्लेट में ऐसे डालो। थोड़े छोले विद ग्रेवी, इसके ऊपर ये छोटा सा आधा प्याज लिया है और एक हरी मिर्च लिया है मैंने, वो डालेंगे। आप और भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। एक पिंच नमक और एक पिंच लाल मिर्च, आप अपने स्वाद के हिसाब से इसे बढ़ा घटा सकते हैं। करारा करना हो तो वैसे हरी मिर्च डालिए और लाल मिर्च की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आधा नींबू, ये डाल के और ये मेरा कुलचे की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।